चलिए तो आज पढ़ते हैं आगे के डेरिवेशंस, उसमें जो हमने कल पढ़े थे उसके आगे के डेरिवेशंस है। चलिए एरिना पढ़िए, प्रूव दैट। सर मेरी स्क्रीन पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, मतलब सर ब्लैक कर रही है शायद आपकी स्क्रीन। हाँ ओके सर, मेरे को भी फ्रीज हो गई सर। एक सेकंड। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ एरिना रीडिंग करिए। प्रूव दैट। Prove that intensity of field is zero inside a spherical shell, while in outside it is such that all the charges are concentrated at the center. Or determine the intensity of electric field by Gauss law due to a uniformly charged spherical shell at a point. First, outside the cell. Second, on the surface of the shell and inside the cell. Draw a graph showing the variation of electric field with the distance from center. Answer: intensity of electric field due to uniformly charged spherical shell. Suppose that a sphere of radius r is uniformly charged with plus q charge. Intensity at any point due to this charge sphere depends on its position relative to the sphere. When point p lies outside the spherical shell, consider a point p which lies outside the spherical shell of radius r. Now imagine a sphere of radius r which passes through P. This closed surface behaves as Gaussian surface. Since sphere is uniformly charged, so the electric field at each point on the surface is equal and points radially outwards. Therefore, net flux through the Gaussian surface of radius r will be. चलिए देखिए, ये मेरे पास एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब हमें यदि इस बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस स्फीयर के किसी आर डिस्टेंस पर, रेडियस आर पर, तो उस पॉइंट से जाता हुआ एक हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। इसमें एक छोटा सा एरिया लेते हैं, तो उसका एरिया का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा बच्चों? डीएस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड ही जाएगा। चलिए तो गॉसियन सरफेस जो अपने पास नेट निकलेगा, नेट गॉसियन सॉरी नेट फ्लक्स कितना होता है? फाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो फाई इज इक्वल टू नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इक्वल टू फाई इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू मॉड ई मॉड डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे जीरो डिग्री है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वैक्टर एक ही तरफ जा रहे हैं, तो कितना हो गया ई इंटू डी एस का इंटीग्रल कॉस जीरो हो गया वन, ये हो गया ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया फ्लक्स। अब हम जानते हैं कि अगर टोटल चार्ज अंदर सरफेस के क्यू था, तो उस बाय द गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब हम इस फाई ई की जगह रखते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों आपको याद होगा यही जो एक्सप्रेशन हुआ करता है वो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे होता है, जो कि आज स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से आ रहा है। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि एक आर, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है ये ऐसे ट्रीट करवाता है कि जैसे पूरा का पूरा चार्ज कहां रखा हो? इसके सेंटर पे। समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। यस पढ़िए एरिना। इट इज क्लियर। It is clear from above equation that the electric field outside any uniformly charged spherical shell is exactly to that electric field when we take the same charge at the center of sphere. Yes. Second. तो ये ऐसा फील होता है कि वो जो चार्ज रखा हुआ है वो सेंटर पे रखा हुआ है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब हमारा जो पॉइंट P हो वो उस सरफेस के ही ऊपर हो, मतलब हमारा जो स्फेयर है उसी के ऊपर होगा। पढ़िए पॉइंट P लाइज। Point P lies on the surface of spherical shell. In this case, R is equal to capital R. From equation 3, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by capital R square. Exactly. Third, point P lies inside the spherical shell. As we know, the charge given to spherical shell spreads equally all over the surface. There is no charge present inside the sphere. Hence, by Gauss's law. हाँ, तो अब डायग्राम बना लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें किसी सिचुएशन में अगर आपका पॉइंट P अगर आप अंदर ले रहे हैं, तो इससे जाने वाला गॉसियन सरफेस तो आप बना सकते हैं, इसका सरफेस एरिया भी बाहर जाएगा, बट दिक्कत ये है कि अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, है ना? तो आपका E डॉट डी एस जो आएगा इस समय
ई डॉट डी एस जो आपने निकाला है वो तो यही का यही आएगा, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ जो क्यू है इस समय इस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यू कैन राइट ई मल्टीप्लाइड बाई फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि जीरो हो जाएगा। तो फोर पाई आर स्क्वायर को भी जीरो के नीचे ले जाएंगे, तो बोलिए ई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, ये जो सॉरी स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है ना। जाओ बेटा इसको अंदर ले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जीरो हुआ करता है। यस, अब इसको देखते हैं आगे। यस, सो यहां पर हम थे फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/4 1/ एप्सिलॉन नॉट इनटू 0 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर देंगे तो ई डॉट डीएस ई 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, सो इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल है ना ऑल इज ऑलवेज 0। द एडजेसेंट फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को देखते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को देखा जाए तो आप देखिए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। सेंटर से लेकर के आर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि यहां पर कोई अंदर पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। फिर एकदम से सरफेस पर जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, जो मैंने आपको निकलवाया था कितना, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर स्क्वायर के टर्म से इनवर्सली डिके होने लगेगा, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। ग्राफ क्लियर है ना बच्चों? देखो यहां तक जीरो 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 जीरो, फिर एकदम से आ जाता है बढ़ के ये हो जाता है, इसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। डन डन सर। हाँ अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। Obtain an expression for the intensity of electric field due to a solid sphere of charge using Gauss theorem at the following points. First, outside the sphere, second, on the surface of sphere, and third, inside the sphere. Yes. Also prove that the... बच्चों ये बहुत important है ये derivation VIMP. इसमें फर्क क्या है बच्चों? पिछला वाला था वो metallic shell था, ठीक ना? पिछला वाले में metallic shell था, मतलब पूरा का पूरा जो charge है वो बाहर आके बैठा करता रहा है। पूरा का पूरा चार्ज आ करके सरफेस पे बैठता था, तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे बैठता था। अब ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक इंसुलेटिंग शेल हुआ करती, मतलब पूरा का पूरा चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, पूरे वॉल्यूम में पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मतलब अगर इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर है इसकी रेडियस, और आपने इसको क्यू चार्ज दिया है, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज आएगा, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज आएगा बच्चों, कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज आएगा जो आप दोगे। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, q/4/3 πr³। तो अगर इतने वॉल्यूम में q चार्ज गया है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना जाएगा, q/4/3 πr³। आया समझ में श्रुति की नहीं आया? यस सर आ गया। चलिए, ऑल्सो प्रूव द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो, और प्रूफ करिए सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो। एक मिनट, ही थोड़ा सा कौन सा वाला सिस्टम है ये सेंटर पर जीरो बोल रहा है, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। चलिए चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है ना। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज using Gauss theorem at the following points, first outside the sphere, on the sphere and inside the sphere. तो outside the sphere निकालना है, on the sphere निकालना है and in the sphere निकालना है। तो एक बार in the sphere देख लूँ तो पता चल जाएगा ये metallic का case है कि non-metallic का case है। Okay, inside the sphere, okay, ये non-metallic का case ही है, मतलब आपका uniformly charge distributed shell है ना, नहीं तो repeat हो जाता है ये। चलिए पढ़िए एरिना।
Suppose. Suppose that a sphere of radius r is uniformly charged with plus q charge. Intensity of electric field at any point depends on its position with respect to sphere. The volume charge density of sphere is rho is equal to charge upon volume, or rho is equal to q by 4 by 3 pi r cube, or q is equal to 4 by 3 pi r cube rho. हाँ देखिए ये क्या है, ये बच्चों टोटल चार्ज है। अगर उसके पास रो जो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया पूरे गोले पर। मतलब पूरे गोले पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, 4 by 3 pi r³ into rho। तो अगर आप पॉइंट बाहर ले रहे हैं तो पूरे गोले का चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, अगर पॉइंट ऊपर भी ले रहे हैं तो पूरे गोले का चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, बट यदि आप पॉइंट अंदर ले रहे हैं तो पूरे गोले का चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, केवल अंदर का चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। बोलो यस कि नो। यस सर। चलिए पढ़िए पहला पॉइंट। व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेयर, कंसीडर अ पॉइंट पी व्हिच लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। नाउ इमेजिन अ स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर व्हिच पासस थ्रू पी। दिस क्लोज्ड सरफेस बिहेव्स एज अ गॉसियन सरफेस। द इलेक्ट्रिक field at each point outside the sphere points radially outward. Therefore, total flux through the Gaussian sphere of radius r will be phi is equal to bounded integral of E dot ds is equal to bounded integral of E ds cos theta is equal to bounded integral E ds cos 0 is equal to E bounded integral ds. Phi is equal to E into 4 pi r square. But charge enclosed inside the Gaussian surface is Q. Hence, the Gauss law phi is equal to 1 by epsilon naught into q. From equations 2 and 3, we get E into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught. E is equal to q by 4 pi epsilon naught into r square. Electric field E is equal to q by 4 pi epsilon naught r square. पिछले बार भी यही आया, सेम यही आया, क्योंकि भाई बाहर है ना पॉइंट, तो खोखला हो या भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर के लिए यही सिचुएशन आ रही है कि E is inversely proportional to R square. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? Excuse me sir. हाँ बोलो बेटा। सर ये जो ये सर जो मेटालिक वो है, उसमें मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज है? नहीं, ये मेटालिक नहीं होगा, ये नॉन मेटालिक होगा, क्योंकि अगर मेटालिक होता तो चार्ज अपने आप सरफेस पे आ जाता, ये 100% नॉन मेटालिक है, समझ गया ना? तो सर नॉन मेटालिक में भी सेंटर में जीरो चार्ज होगा? नहीं नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है, नॉन मेटेलिक में कुछ ना कुछ होगा, हम डिराइव कर रहे हैं ना। तो सर उसमें तो बोला है कि बताओ कि जीरो है चार्ज सेंटर पे, कहां पे? मतलब क्वेश्चन। आल्सो प्रूव दैट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। प्रूफ करो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी। अच्छा देखिए, हमने तीन बातें करी हैं, एक आउटसाइड की बोली है, एक ऑन बोली है, और एक इनसाइड की बोली है। अब सेंटर पे जीरो क्यों होगी लास्ट में देखते हैं। कह रहा है कि also proved that the intensity of the electric field and the center will be zero. थोड़े देर में देखते हैं इसको, है? क्लियर हो गया? Okay, देखो यहां तो सेंटर पे बोल रहा है, मगर जो अपना मेटेलिक था, मेटेलिक में तो हर जगह जीरो होती थी ना अंदर, चाहे यहां भी देखोगे तो भी जीरो होती थी। बोले यस और नो? यस सर। है ना, तो ये मे भी कोई अलग फंडा हो सकता है। अभी तो अपन ने ये देखा है कि यहां से लेकर के यहां तक पूरी जीरो हुआ करती थी मेटेलिक के केस में, सेंटर से लेके पूरा रेडियस तक जब तक इसको छू ना दो आप, बाहर तक जीरो होती थी। यस और नो? यस सर। तो अभी बाहर का केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर बाहर का केस क्लियर है। चलिए अब चलते हैं बाहर के बाद, अब इसको अंदर आएंगे अपन, वो भी देखते हैं। ओके हाँ, तो हेंस पढ़िए। हेंस Hence, the electric field outside any uniform charge sphere is same as if the entire charge is present at the center. Bilkul. Putting the value of Q from equation 1 in equation 4, we get E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught r square into 4 by 3 pi r cube. E is equal to capital R cube rho upon 3 into epsilon naught small r square. Yes, so dekhiye, isme ye ho raha hai apne paas ki हमने क्या किया, अभी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यदि मेरे को इस फॉर्मूले को रो के टर्म्स में बदलना है, तो मैंने क्यू की वैल्यू जो निकाली थी वहां पे क्या निकाली थी, 4 by 3 pi r³ into sigma। तो मैंने क्यू की वैल्यू 4 by 3 pi कैपिटल आर क्यूब, ध्यान रखना, into sigma divided by 4 pi epsilon naught r square।
तो देखिए 4 से 4 कट गया, 4 से 4, पाई से पाई कट गया, ओके कितना आ जाएगा आर क्यूब रो, सॉरी मैंने सिग्मा लिख दिया बच्चों, गलती से रो है ये, आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्साइलन नॉट आर का स्क्वायर। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। ओके अगर आप इसी पॉइंट को जो बाहर था इसको सरफेस से लेकर के बाहर से लेके इसके सरफेस पे ले आते हो तो बच्चों आपको पता चल जाता है कि ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल आर है वहां पे आप कैपिटल आर रख देंगे तो ये बन जाएगा आर क्यूब रो, ये बन जाएगा आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्साइलन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, तो दो आर कैंसिल हो जाएंगे, बोलिए यस और नो? यस सर। तो आपके पास बचेगा आर रो बाई 3 एप्सिलॉन, आर रो बाई 3 एप्साइलन बचेगा कि नहीं बनेगा बताइए, 3 एप्सिलॉन नॉट? यस सर बनेगा। या वैसा फॉर्मूला देखा जाए चार्ज के टर्म्स में तो इक्वल टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में देखा जाए तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ये बचेगा आर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्लियर सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, तो अपन ने दो केसेस देख लिए, एक जब चार्ज आउटसाइड था, दूसरा जब चार्ज ऑन द स्फीयर था, अब तीसरा केस देखते हैं कि जब चार्ज इनसाइड है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए चार्ज इनसाइड है और आपने मान लीजिए इस स्फीयर में यहां से लेकर के यहां तक का आर रेडियस का आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है, सवाल उठता है कि इसके पास कितना चार्ज होगा। देखिए तो बच्चों हमने देखा 4 बाई 3 कैपिटल पाई के पाई कैपिटल आर क्यूब में भरा हुआ है क्यू चार्ज, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना भरा हुआ है, यूनिट वॉल्यूम में भरा हुआ है हमारे पास क्यू अपॉन 4 बाई 3 पाई आर क्यूब चार्ज। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितने रेडियस का कंट्रीब्यूट होगा बच्चों, स्मॉल आर रेडियस का, तो स्मॉल आर रेडियस में जो चार्ज भरा होगा बच्चों स्मॉल आर रेडियस का जो चार्ज होगा वो होगा क्यू बाई 4 बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर का वॉल्यूम कितना होता है 4 बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4 बाई 3 पाई से 4 बाई 3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, बोलो हाँ हाँ सर, तो ये बचेगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, एग्री की नॉट एग्री? एग्री सर। तो मतलब जो इफेक्टिव चार्ज हमारे पास आएगा बच्चों वो क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब आएगा, श्रुति बोलो यस और नो? यस सर। हाँ चलिए तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों, हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे चार्ज की वो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, चलिए पढ़िए एरिना, व्हेन द पॉइंट चार्ज इनसाइड द स्फीयर, when the point lies inside the sphere, suppose the point P lies at a distance r from the center of sphere such that small r is smaller than capital R, at radius r drawn a Gaussian surface which is a sphere, then electric field E vector is radially outwards, moreover normal to surface ds is along the direction of E vector. Hence, angle between E vector and ds vector is 0 degree. The flux coming out of the Gaussian surface is phi is equal to bounded integral of E dot ds is equal to bounded integral of E d cos 0 degree is equal to bounded integral of E dot ds is equal to E into bounded integral of ds is equal to E into 4 pi r square. But the Gauss law, the flux phi is equal to 1 by epsilon naught into total charge inside the Gaussian surface. Phi is equal to 1 by epsilon naught into q dash, where q dash is the total charge inside of the sphere rate of radius r. On volume 4 by 3 pi capital R cube, charge given is q. On volume 1, charge given is equal to q by 4 by 3 pi capital R cube. On volume 4 by 3 pi r cube, charge given is equal to q by 4 by 3 pi capital R cube into 4 by 3 pi small r cube is equal to q into small r cube upon capital R cube. Therefore, q dash is equal to q into small r cube upon capital R cube. Done? Done, sir. Okay, so q dash यानी कि जो net charge आएगा, effective charge आएगा, वो आएगा q small r upon capital R का cube भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये अपने पास नेट चार्ज आ गया है। चलिए अब गॉस थ्योरम लगा देते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहती है? E dot ds is equal to q by epsilon naught, q net upon epsilon naught। तो अब गॉस थ्योरम लगेगी।
पढ़िए, पुटिंग द वैल्यूज. Putting the value of Q dash in equation 2, we get phi is equal to 1 by epsilon naught into Q into small r cube upon capital R cube. From equations 1 and 3, we get E into 4 pi small r square is equal to Q by small r cube Q into small r cube upon epsilon naught capital R cube. E is equal to Q into small r upon 4 pi epsilon naught into capital R cube. Okay, at the so center of. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जो हमारे पास था जो हमने E डॉट ds करके निकाला था E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ Q नेट. तो Q नेट आपने कितना निकाला है क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब. तो गॉस लॉ का आर स्क्वायर गॉसियन सरफेस का आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और क्या आ जाएगा अपने पास तो E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ये 4 pi ये epsilon naught है ना 1 by 4 pi epsilon naught. एक मिनट epsilon naught लिख दिया फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है 1 by 4 pi epsilon naught इधर में बचा Q एक बचा R upon capital R का Q. बच्चों नोट कर लीजिए ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन. अब आपसे पूछा गया था सेंटर पे तो श्रुति जब आप यहाँ पे थे बाहर तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r था जब r को कम करते हुए सेंटर पे चले जाओगे तो बताओ रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो. Yes. तो अगर आप रेडियस की जगह जीरो पुट करोगे तो आंसर इक्वल्स टू कितना आएगा जीरो. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. यस सर. एरिना सर सेंटर में सर सेंटर में इक्वल टू जीरो. हाँ सेंटर में इक्वल टू जीरो. पूरा चार्ज है इट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ना सर. नहीं वो किसके लिए था बेटा वो मेटेलिक के लिए था. ये नॉन मेटेलिक है ना वो मेटेलिक के लिए था और उस कंडीशन के लिए है बेटा. मेटेलिक की छोड़ो उस कंडीशन के लिए जब आपका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पूरे सिस्टम के बाहर है तब के लिए वो उसको मान सकते हो लुकिंग लाइक है नहीं लुकिंग लाइक बिहेविंग लाइक उस तरीके का बिहेव कर रहा है. समझ में आया. हाँ सर आ गया समझ में. मगर अगर आप नॉन मेटेलिक की बात करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर की नॉन मेटेलिक शेल की बात करोगे कंडक्टर मत बोल देना है ना कंडक्टर में बोल दोगे तो अपने आप पूरा का पूरा चार्ज मजबूरन आना पड़ेगा बाहर. तो अगर आप नॉन मेटेलिक स्फीयर की बात कर रहे हो तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो. सर जीरो. जीरो कोई दिक्कत. नो सर. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. Arina returned home from school. When she was taking out the sweater, she heard twinkling sound. She asked her mother, but she was unable to answer. Next day, she went to school and asked the science teacher. She was satisfied with her answer. Write down the answer of the question given below on the basis of above statement. थोड़ा सा change करेंगे. Next day she went to his school and asked the science teacher. She was satisfied with her answer. उसको अपने आंसर से satisfied हो जाती है उनके आंसर से. Write down the answer of the question given below on the basis of above statement. चलिए पहला question. What values does she show? बताइए भाई क्या value show करती है उसकी teacher? Sorry student क्या value show करती है? सर बहुत ज्यादा क्यूरियस है लड़की सर. बिल्कुल सही बात. सर नॉलेज सर. सही बात है. शी शोन नंबर वन तो क्यूरियोसिटी है उसके अंदर है ना. एंड शी शोन द वैल्यू ऑफ आंसर एंड क्वेश्चनिंग है ना. और वो उसके अंदर क्वेश्चनिंग की एक वैल्यूज है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द रीजन फॉर साउंड व्हेन शी वाज टेकिंग आउट हर स्वेटर. क्या होगा बताइए क्या होगा रीजन. सर वो सर रब करने से सर इलेक्ट्रॉन सर इधर से उधर चले गए होंगे इसलिए सर. मतलब ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन हर स्कूल ड्रेस एंड स्वेटर इट्स एक्वायर नेगेटिव चार्ज. और जब वो बाद में डिस्चार्ज होते होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते होंगे तो क्या क्रिएट होता होगा साउंड क्रिएट होता होगा उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू. क्लियर ठीक है श्रुति. यस सर. थर्ड क्वेश्चन. प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैन बी डिटरमाइंड बाय व्हिच अपरेटस. क्लास नंबर वन में बताया था मैंने आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से डिटरमाइन होती है. एंड डज एनी न्यू चार्ज गेट क्रिएटेड ऑन रबिंग इफ यस और नॉट देन व्हाई.
No new charges get created. Only transfer of electron occur from one body to the another. There one become positive charge and the one becomes negative charge. Means charge remains conserved. बताओ बच्चों, value based question बन जाएगा कि नहीं बनेगा? Yes sir, transfer of mass भी तो होता है sir. Transfer of electron होता है. क्या बोले? Transfer of proton. Mass sir. Transfer of mass. कह रहा तो इसने तो पूछा है ना कि does any new charge get created on rubbing. Transfer of mass वही इलेक्ट्रॉन के चलते बहुत ना के बराबर होता है बेटा. बात सही है, होता तो है, बट इसमें मास के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है. हाँ सर, मतलब इसमें भी है ना सर, रबिंग में फ्रिक्शन. हाँ हाँ है ना, ट्रांसफर ऑफ मास. कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना, किसका मास बढ़ जाएगा किसका मास घट जाएगा. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका मास बढ़ जाएगा और जिससे निकलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास थोड़ा सा कम हो जाएगा. याद आया? यस सर. चलो न्यूमेरिकल हो जाए क्वेश्चन. चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन एरिना. Two positive ions which have same charge having a force of repulsion of 3.7 into 10 to the power minus 9 newton. The distance between them is 5 angstrom. Find the deficiency of electron on each ions. हाँ, solution. तो आपको बताना है कि deficiency of electron कितनी होगी. तो भैया पहली चीज तो हमें इनका चार्ज ही नहीं पता है, मगर इतना दिया गया है कि दोनों आयंस जो है, दोनों आयंस हैं, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है. तो इसका चार्ज मैं मान लेता हूँ Q और इसका चार्ज मान लेता हूँ Q, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स दिया गया है. कितना दिया गया है? इतना फोर्स दी गई है, डिस्टेंस दी गई, दोनों चार्ज इक्वल है. तो F इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर. तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा. बच्चों सॉल्व कर लो, और क्यू स्क्वायर सॉल्व करने के बाद आ गया फाइनली क्यू इक्वल टू 3.2 × 10⁻¹⁹, है ना. अब कह रहा बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए होंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन है. तो पॉजिटिव आयन कब बनते हैं? जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया. बोलो यस और नो. यस सर. तो पॉजिटिव आयन के पास इतना चार्ज है, आंखों से दिख रहा है मेरे को, दो इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं. मतलब दो इसमें निकाल लेता हूं, q equals to ne, तो डिवाइड कर दीजिए. तो q equals to ne 3.2 divided by 3.2 into 10 की पावर 19 divided by 1.6 into 10 की पावर minus 19. आंसर 2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ. यस सर आएगा. हाँ, मतलब ना ये बनेगा अपना डाइवेलेंट आयन बनेगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन निकल के छोड़ के जा चुके हैं. एरिना नहीं आया समझ में आपको? यस सर आ गया. देखो n इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन e की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया n इक्वल टू 2. अब पॉजिटिव आयन है मतलब दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकले हैं, अगर नेगेटिव आयन होता मतलब दो इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए होते. डन डन सर. यस, करेक्ट आंसर है बच्चों 2. चलिए नेक्स्ट पढ़िए रीना. कैलकुलेट फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हेन दे आर सेपरेटेड विद 4.0 इनटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. चलिए देखिए, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इतना होता है. सीधा फार्मूला लगा दिया है, बोलो कर लोगे नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर. आंसर 14.4 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. कैन वन कूलॉम्ब ऑफ चार्ज बी गिव्स टू अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, गिव रीजन. चलिए कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का मेटालिक स्फीयर है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर का मेटालिक स्फीयर है, और इसको तुमने 1 कूलॉम्ब चार्ज दे दिया है. इसके ऊपर लबालब इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन. मैंने पॉजिटिव ले लिया, चलो मतलब एक इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, और निगेटिव लिया होता तो सारे इलेक्ट्रॉन आ गए होते. चलो ठीक है, जो भी समझना हो समझ लो. इसके ऊपर इतना सारा लबालब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ चुके हैं. अब कह रहा है कि तो इसके ऊपर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस पे? 1/4πε₀ × Q/r² का स्क्वायर. तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बच्चों. तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 9 × 10³ न्यूटन. हे भगवान, इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड है, 9 × 10³ न्यूटन पर कूलम. आपको पता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हवा झेल पाती है ना, बाहर की एयर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल पाती है,
उसको बोलते हैं थ्री इंट वो होता है 3×10^6 न्यूटन पर कूलम। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हवा नहीं झेल पाती है, ये एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की 3×10^6 न्यूटन पर कूलम। अगर 3×3.1 भी हो जाएगा बच्चों, तो ये जो बाहर की हवा बैठी हुई है ये आयोनाइज हो जाएगी, मतलब हवा जो है प्लस में और माइनस में टूट जाएगी, पटाक चिट बोल जाएगी हवा एयर, है ना। तो अभी कितना आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आया है बताओ, ये ज्यादा आया कि कम आया? सर ज्यादा आया, बहुत ज्यादा आया। तो क्या इतना स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आप डेवलप रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? सर नहीं, नहीं सर, नॉट पॉसिबल। पढ़िए रीना, बट वेन But when intensity of electric field exceeds 3×10^6 Newton per coulomb, air gets ionized and hence electric discharge takes place. So one coulomb of charge cannot be given to a sphere of radius 1 cm. Yes, इसलिए 1 coulomb का charge जो है हम 1 cm radius वाले sphere को नहीं दे सकते। Next question number 4 पढ़िए। Two charges of 1 coulomb are separated by a distance of 1 meter from each other. Find first force between the charge when was in air. Second, if it is in dielectric medium, calculate its force. So, कह रहा है, two charges of 1 coulomb are separated by a distance 1 meter from other. तो दोनों के बीच में force निकालिए. If it is in dielectric medium, calculate its force. यार dielectric medium तो दिया गया है. तो फोर्स निकालना है तो कौन से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू दिया है क्या? अगर कह रहा है अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो फोर्स की वैल्यू, अच्छा फॉर्मूला लिख के देना है, चलो कोई बात नहीं। तो 1/4 πε₀ε₀ आ जाएगा बच्चों। एयर में देख लो आंसर 9×10^9 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, 1 मीटर दिया गया है। क्लियर है सर। और इसमें बस 1/ε₀ आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू रखना हो, मतलब यदि उसको और ज्यादा लिखा जाए तो 9×10^9 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि Q1 और Q2 कितने कूलम है, 1-1 कूलम है ना। यस सर, ठीक है, बन जाएगा, डन, चले आएंगे। यस सर, ठीक। यस, ये देख लीजिए, तो ओके डाइलेक्ट्रिक, वहां पे क्वेश्चन गड़बड़ था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम 3 लेना चाहिए था इनको, तो उन्होंने दिया नहीं है, तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम बच्चों हमको 3 का लेना है। कितने का लेना है बच्चों? 3 का, ठीक है ना, तो वहां पे 3 का देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो समझ लेना की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 2 point charges वेरी इंपॉर्टेंट, पहले देखते ही गजब इंपॉर्टेंट। 2 point charges plus 9E and plus E are placed 8 meter apart. Where should the third charge Q be placed on the line joining the two charges so that Q should be in equilibrium? हाँ, तो बताइए कहाँ पर रखा जाए कि Q जो होगा equilibrium में होगा। देखिए अब एक है plus 9E और एक है भैया plus, एक है plus E, ठीक है ना बच्चों। बाहर नहीं रख सकते हो क्योंकि बाहर जो है कह रहा है प्लस 2 point charges 9E एंड E प्लेस 8 meter अपार्ट। वेयर शुड द थर्ड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट क्यू बी इन इक्विलिब्रियम। तो क्यू कैस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। आपको बताइए तीसरा चार्ज कहां पर रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखिए यहां पर आप यदि पॉजिटिव चार्ज जो है रखते हो इधर पे कहीं पर बीच में रखोगे तो यहां पर इसका फोर्स 9 वाले का ज्यादा पड़ेगा। तो अगर इधर लेके आओगे तो कोई कंडीशन बनेगी कि इसका फोर्स इसके फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है बच्चों? 8 मीटर, ठीक है 8 मीटर दी गई है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन से ये एक्स दूरी पर रखा हुआ है। तो यहां से कितने पर रहेगा बोलो, 9 minus x पे होगा कि नहीं, सॉरी 8 है, 8 minus x पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, और अगर 8 minus x पे है तो दोनों पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा सर। तो दोनों पे लगने वाले फोर्स को इक्विलिब्रियम पे कर दो। चलो पढ़ो बेटा एरिना। लेट द चार्ज q बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम प्लस 9 ई चार्ज, then its distance from E will be 8 minus x. Therefore, in equilibrium, 1 upon 4 pi epsilon naught into 9e into q upon x square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into E into q by 8 minus x whole square, or 9 upon x square is equal to 1 by 8 minus whole square, or 3 upon x is equal to plus minus 1 upon 8 minus x. Taking plus sign, 3 upon x is equal to 1 by 8 minus x, which gives 24 minus 3x is equal to x. 24 is equal to 4x, or x is equal to 6 meter. Taking negative sign, 3 by x is equal to minus 1 by 8 minus x, which gives 24 minus 3x is equal to minus x. 24 is equal to 2x, or x is equal to 12 meter. Since plus 9e and plus e are similar charges, hence q will be in equilibrium when x is equal to 6 meter. That is, q should be placed 6 meter apart from plus 9e between the charges. Yes, ab dekhiye isme ek answer 12 aaya hai, ye useless hai. क्यों? अब ये कह रहा भैया 12, तो 8 तो यही है, अब इसके आगे, सॉरी 8 यहां तक की दूरी है, अब इसके आगे 4 पर अगर आप मान लो चार्ज रखते हो तो देखो क्या हाल होंगे। चलो पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव रखोगे तो ये वाला भी धक्का मारेगा और ये वाला तो हाई है पॉजिटिव, मतलब दोनों धक्का मारेंगे, तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रह सकता कि नहीं रह सकता, बताओ? नहीं रह सकता, तो ये फर्जी आंसर हुआ। चलो निगेटिव रख के देखा, अगर निगेटिव रख के देखोगे तो ये भी बुलाएगा और ये भी बुलाएगा, तो बेचारा दौड़ के आएगा, तो नेगेटिव भी हुआ तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, इसलिए 12 आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 6, मतलब कि 9 इलेक्ट्रॉन वाले से 6 सेंटीमीटर की दूरी चलेगी और इधर वाले से आपकी कितनी की 2 की सेंटीमीटर की मीटर है सर, मीटर, तो उसको सेंटीमीटर की जगह मीटर कर लेंगे, मैं जो बोला। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। What is the force between two small sphere having charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb? Okay, sphere है, radius दी नहीं है, गलती हो गई यहाँ पे, उनकी radius जो है भैया 30 सेंटीमीटर। What is the force between two small sphere having charge this, है ना, दो चार्ज दिए गए हैं और इनकी रेडियस इक्वल्स टू कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर की रेडियस दी गई है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बच्चों। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर हैविंग द चार्ज दिस, दोनों के ऊपर चार्ज बस दिया गया है और रेडियस का कुछ ऐसा आता पता नहीं है, रेडियस एक की दे दी गई है, तो इसको इनके बीच की दूरी देनी पड़ेगी। हाँ, लिख लीजिए यहाँ पे, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस 30 सेंटीमीटर नहीं है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्फीयर के बीच की वो 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तो कर लोगे ये? बोलो। यस सर। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, और कह रहा फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर के, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों सेम नेचर के। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 2 newton. What is the distance between two spheres? चलिए, तो एक दूसरे के बीच का फोर्स दिया गया है 2 न्यूटन है, आपको निकालना है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों स्फीयर के बीच की। वही फार्मूला लगेगा बच्चों, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और उससे हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए ये हो गया, तो q1 दिया गया अपने पास, q2 दिया गया है, f इक्वल टू 0.2 न्यूटन, तो फार्मूला लगा दीजिए, तो r स्क्वायर को सॉल्व कर दीजिए। देखिए ध्यान से समझ में आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ रही है डिस्टेंस, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। तो रेडियस इक्वल्स टू आ गई इसमें, डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा, बोथ द चार्जेस अप्लाई सेम फोर्स, कह रहा है कि बताइए दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे पर अलग अलग फोर्स लगाएंगे या सेम फोर्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। पहला क्वेश्चन तो देख लिया,
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, ये देख लिया, ये पहला क्वेश्चन था. हाँ, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. तो पहला दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा, दूसरा पहले पर उतना ही तो फोर्स लगाएगा. बच्चों, अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो. F12 is equal to F21, है ना? Yes, तो पढ़िए. Both the charges apply same force on each other. Their force of first sphere due to second sphere will be 0.2 newton. The force between them will be force of attraction. Yes, the force between them will be force of attraction because एक positive है और एक negative है. चलिए next question पढ़िए. Polythene. A polythene piece is rubbed with woolen cloth. As a result, 3×10⁻⁷ coulomb charge is produced in it. How many electrons are transferred from which to which substance? Is mass transferred from woolen to polythene? चलिए पढ़िए. Polythene gets negative charge, so that electron is transferred from woolen to polythene. We know that Q is equal to Ne, or N is equal to Q by E, is equal to 3×10⁻⁷ coulomb upon 1.6×10⁻¹⁹ coulomb. N is equal to 1.875×10⁻¹² electrons. As electrons are transferred from woolen to polythene, mass is also transferred in the same way. बिल्कुल सही. इलेक्ट्रॉन वुलन से पॉलीथीन में जा रहे हैं, इसका मतलब पॉलीथीन का मास बढ़ेगा, वुलन का मास कम हो जाएगा. अब ठीक है बच्चों, तो ये हो गया. कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया बताओ. यस सर, आ गया. यस सर. एक बच्चों यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा. पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन पे जो चार्ज क्रिएट होता है, a polythene piece wrapped with a woolen cloth, as a result 3×10⁻⁷ charge is produced on it. तो polythene जो होता है negative charge आएगा और woolen पे positive charge आएगा. note कर लो. note कर लीजिए, इसको लिख लो. polythene negative, woolen positive. बस इतना याद रख लेना कि वूल पे पॉजिटिव होगा और पॉलीथीन पे नेगेटिव. मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वूल से निकल करके पॉलीथीन पे जाएंगे. ये थोड़ा ध्यान पे रखिएगा, इसको रट लीजिए. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया. इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा. रेदर बाद में पूछा ही गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म होंगे फ्रॉम विच टू विच सब्सटेंस. तो वूल से निकल करके इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में जा रहे हैं, मतलब वूल पॉजिटिवली चार्ज होगा और पॉलीथीन नेगेटिवली. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना. कंडक्टर. A conductor has 14.4×10⁻¹⁹ coulomb positive charge. How many electrons are lacking or in excess? We know that Q is equal to Ne, which implies N is equal to Q by E. N is equal to 14.4×10⁻¹⁹ coulomb upon 1.6×10⁻¹⁹ coulomb is equal to 9 electrons. Therefore, body is lacking by 9 electrons as it has positive charge. समझ में आ गया? क्योंकि body के पास positive charge है, मतलब ये कितने electron lack कर रही है? कमी हो गई कितने electrons की? 9. चलिए next question. What is the net flux of uniform electric flux there through a cube of field oriented so that its faces are parallel to the coordinate plane? Solution. All the faces of a cube are parallel to the coordinate axis. Therefore, the number of whole lines entering the cube is equal to the number of fine field lines piercing through the out of the cube. As a result, net flux through the cube is zero. हाँ बच्चों, कल मैंने बताया था कि इंटर होने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है और आउटर होने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है. और कभी भी अगर आप बाहर के फील्ड में रख रहे हो तो याद रखना, जितना फ्लक्स एंट्री मारेगा उतना फ्लक्स पक्का निकलेगा. तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो. जीरो. चलिए तो बच्चों, ये था आपका पहले टाइप का रिविजन, रिविजन टाइप 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ. ठीक है.